बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मेरा नाम हैदर अली है और आप देख रहे हैं स्काई रियल्टीज़ का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। व्यूज, आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही आउट क्लास प्रोजेक्ट लेके आया हूँ। वो लोग जो इंस्टॉलमेंट के ऊपर अपना घर लेना चाहते हैं, घर में रहते हुए अपनी इंस्टॉलमेंट देना चाहते हैं, उनके लिए एक बहुत ही शानदार प्रोजेक्ट है। इस वक्त व्यूज मैं मौजूद हूँ पार्क एवेन्यू हाउसिंग सोसाइटी में। यहाँ पर टाउन हाउसेज का एक प्रोजेक्ट बनने जा रहा है, जिसकी बिल्डिंग्स आप मेरे पीछे देख सकते हैं। इस वक्त एक दो बिल्डिंग स्टार्ट हो चुकी हुई हैं, ऑलमोस्ट एक कंप्लीट होने वाली है और दूसरी का ग्रे स्ट्रक्चर कंप्लीट है। ये व्यूअर्स, आपको मैं इसका थोड़ा सा लोकेलिटी बता दूं कि किस लोकेलिटी में आ रहा है ये जो पार्क एवेन्यू हाउसिंग सोसाइटी का प्रोजेक्ट है। यहाँ पर व्यूअर इसको आप तीन साइड से अप्रोच कर सकते हैं, जिनमें फिरोजपुर रोड है, वहाँ से LDA का 150 फीट का स्ट्रक्चर रोड गुजरा है। 5 नंबर स्टॉप से आगे से आप इनको हलो की रिंग रोड का जो इंटरचेंज है उसकी मदद से जिया बगा रोड से होते हुए एक्सेस कर सकते हैं। और इसके बिल्कुल साथ ही 3 से 4 किलोमीटर की ड्राइव के ऊपर रेवेंड रोड है, आप उधर से भी इसको बड़ी इजीली एक्सेस कर सकते हैं। लोकेशन वाइज बहुत ही शानदार प्रोजेक्ट है। हलो की का जो रिंग रोड का इंटरचेंज है, यहाँ से सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट की ड्राइव के ऊपर है। तो अभी मैं आपको थोड़ा सा प्रोजेक्ट के हवाले से बताता हूँ, इसके डेवलपर्स के बारे में बताता हूँ। तो अगर लाहौर में आप देखें टाउन हाउसेज के जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं, वहाँ पर आपको जो 2 बेड अपार्टमेंट्स या 2 बेड के जो घर होते हैं उनका साइज़ देखने को मिलता है, वो 800 स्क्वायर फीट होता है और मैक्सिमम इसका जो साइज़ आता है 850 स्क्वायर फीट। लेकिन यहाँ पर आपको 1007 स्क्वायर फीट का ये बना के दे रहे हैं, घर बना के दे रहे हैं, जिसमें ग्राउंड फर्स्ट और सेकंड फ्लोर है एक बिल्डिंग के अंदर। और बेसिकली यहाँ पर 25 फ्लोर्स हैं, जिनमें से इन पर टोटल 150 यूनिट बनने जा रहे हैं। लिमिटेड इन्वेंट्री इस वक्त अवेलेबल है, आप लोगों के पास ये बेहतरीन मौका है। अभी आए हम लोग, चलते हैं बिल्डिंग के फ्रंट के ऊपर, मैं आपको लेकर चलता हूँ, इसका फ्रंट एलिवेशन बताता हूँ और आपको इसके थोड़े से मजीद फीचर्स बताता हूँ। आए चलते हैं अभी। जी तो व्यूअर्स, मैं इसके बिल्कुल फ्रंट के ऊपर आ चुका हूँ। ये आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि इसकी जो एक बिल्डिंग है ऑलमोस्ट कम्प्लीट होने वाली है, 3 मोहब्बत इसका पोजेशन आ जाएगा, मे बी उससे भी पहले आ जाए। फिनिशिंग के ऊपर ये चल रही है, इसका आपको स्पेनिश जो एलिवेशन है वो देखने को मिलता है। और इसके बिल्कुल सामने ये अपोजिट के ऊपर एक ग्रे स्ट्रक्चर की बिल्डिंग तमीर हो रही है, हो चुकी है, यानी कि इसमें आपको 2 यूनिट अभी इस वक्त अवेलेबल हैं, जिनका 6 माह बाद पोजेशन है। और अभी आप अगर पोजेशन वाला लेना चाहते हैं यहाँ पर यूनिट, तो वो भी आपके पास अवेलेबिलिटी मौजूद है। अभी हम लोग थोड़ा सा इसके ऊपर चल के आपको दिखाते हैं इसकी सराउंडिंग में किस तरह का एरिया है, पार्क एवेन्यू किस तरह की सोसाइटी है। चलाएँ चलते हैं। हाँ जी, तो व्यूअर्स, मैं अभी इसका जो सेकंड फ्लोर है उसके ऊपर आ चुका हूँ, आप लोगों को अंदर से दिखाता चाहता हूँ कि इसकी जो डेवलपमेंट है वो कितनी हो चुकी हुई है। इस वक्त आप देख सकते हैं, जैसे आप इसके एंटर आते हैं आपको TV लॉन देखने को मिलता है, साथ में आपको ये अमेरिकन किचन देखने को मिलता है। और इसके साथ बिल्कुल व्यूअर्स ये एक बेडरूम है, जिसमें आपको बकेट वगैरह लगा के दी गई हुई हैं। ये मीडिया वॉल है और यहाँ पर आप अपने कपड़े वगैरह रख सकते हैं, जूते वगैरह रख सकते हैं, इस तरह की चीज़। और इसके बिल्कुल साथ ही ये एक वॉशरूम अटैच किया गया आपको। इसका मैं आपको मास्टर बेडरूम दिखा दूँ, जो कि बिल्कुल इसके साथ है। ये आप देख सकते हैं कि ये इसका मास्टर बेडरूम है, ठीक है, जिसमें अटैच वॉशरूम है, वो भी वही किसी तरह कपड़े वगैरह बने हुए हैं यहाँ पर भी। अभी मैं आपको इसकी सराउंडिंग में थोड़ा बताता हूँ, इसकी छत के ऊपर चल गए तो आए चलते हैं। जी व्यूअर, अभी मैं इसकी छत के ऊपर मौजूद हूँ, आप लोगों को पार्क एवेन्यू में यहाँ से नज़र आ रही होगी कितनी डेवलप्ड सोसाइटी है, अंडरग्राउंड इलेक्ट्रिसिटी है। इस प्रोजेक्ट के बिल्कुल साथ ही आपको ये एक फुली डेवलप्ड पार्क देखने को मिल जाता है। और इसके साथ जो आपको ग्रे स्ट्रक्चर बिल्डिंग नज़र आ रही है, वो यहाँ की फूड स्ट्रीट होगी, जो कि आपको वॉकिंग डिस्टेंस के ऊपर यहाँ पर दी गई है। और यहाँ पर इसके बिल्कुल साथ इस साइड के ऊपर एक मियावाकी फॉरेस्ट दिया गया है, यानी कि मियावाकी का मतलब ये है कि वहाँ पर ऑटोमेटिकली जो नेचुरल पौधे होते हैं वही होते हैं, किसी भी किस्म की वहाँ पर कोई भी जो आर्टिफिशियल चीज़ें होती हैं या आर्टिफिशियल फॉरेस्ट होता है वो नहीं है, बिल्कुल नेचुरल जंगल वहाँ पर आपको बना के दिया गया है। बाकी यहाँ पर मैं आपको इसका पेमेंट प्लान बताऊँ तो व्यूअर्स, यहाँ पर जो मिनिमम यहाँ पर डाउन पेमेंट है आपके इधर अपार्टमेंट की या 5 परला घर की, वो है 13 लाख रुपया, और 32,000 रुपया मिनिमम इसकी महाना किस्त है। और 2.5 साल में इसका पोजेशन है, अगर आप अभी पोजेशन वाला लेना चाहते हैं, ऑप्शन मैंने आपको बता दी है, मौजूद है वो भी। इसके अलावा यहाँ पर 2.5 साल का यहाँ पर आपको पोजेशन देंगे ये 2.5 साल बाद, और 3.5 साल का ये पेमेंट प्लान है, जो कि एक बहुत ही अच्छी डील है, बहुत ही रीज़नेबल प्राइजेज हैं, जो कि ऑलमोस्ट कोई अगर आप इसको पर स्क्वायर फीट के हिसाब से निकालें तो कोई ये बनेगी कोई 750-700 पर स्क्वायर फीट इस हिसाब से। तो व्यूअर्स, इसमें आपके पास बहुत ही एक अच्छा पोटेंशियल रखने वाली चीज़ है, इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी,
और बाकी मैंने आपको इसकी मेंटीज बता दी हैं। यहाँ पर आपको व्यूवर्स इसकी रूफ के ऊपर एक रूफ टॉप गार्डन सम्मिलित इस तरह की होगी चीज़ें, बारबेक्यू पॉइंट होंगे और आपको एक वॉकिंग ट्रैक बना के दिया जाएगा। इस तरह के बहुत ज़्यादा मेंटीज हैं यहाँ पर। तो व्यूवर्स अगर आप इसके बारे में मज़ीद किसी भी किस्म की मालूम हासिल करना चाहते हैं, किसी भी किस्म की यहाँ पर बुकिंग करवाना चाहते हैं, तो उसके लिए आप स्क्रीन पर दिए गए मेरे नंबर पर मुझे रब्ता कर सकते हैं। इंशाल्लाह ताला आपको बहुत अच्छी सर्विस प्रोवाइड की जाएंगी। अल्लाह पाक आपका और मेरा हमी नासिर हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।